हेलो VCTA मेंबर, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे न्यू वर्शन ऐप को इंस्टॉल करना है और न्यू वर्शन ऐप में कैसे डिलीवरी अपडेट करना है। तो पहले तो आपको न्यू वर्शन ऐप नहीं मिला तो आप HO से जल्दी से ले लीजिए और ऐप पुराना वाला जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको न्यू वर्शन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे कुछ परमिशन आपको मांगेगा तो वो पूरा फुल परमिशन आपको देना पड़ेगा। देने के बाद आपको ऐप को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद ये भी अननोन सोर्स ये सब आपको परमिशन दे देना है। देने के बाद ये देखिए यहाँ पे अलाउ बोल रहा है, यहाँ पे अलाउ करना है। फिर आपको ईमेल आईडी देके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फिर से अलाउ मांगेगा तो इसको अलाउ कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास ये वाला डैशबोर्ड आ गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक नाम सर्च करूँगा। नाम सर्च करने के बाद देखिए हम लोग पहले यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करते थे, तो रिसेंट में क्लिक करने के बाद अभी क्या होगा, दो OTP जाएगा, एक कस्टमर का मोबाइल पर और एक ब्रांच का मेल आईडी में। तो पहले जब हम यहाँ पे रिसेंट में क्लिक करेंगे, रिसेंट में क्लिक करने के बाद एक तो कस्टमर को मोबाइल पे आएगा OTP और दूसरा जाएगा ब्रांच के मेल आईडी पे। फिर हम लोगों को डिटेल में जाना है। डिटेल में जाने के बाद डिलीवर टू कस्टमर, फिर यहाँ पे अलाउ मांगेगा, यहाँ पे अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए डिलीवरी टाइप दो ऑप्शन है, एक है मेला और एक है LMD। LMD जो हम लोगों का होता है LMD लास्ट माइल डिलीवरी, और मेला जो मेला में डिलीवरी होता है। तो ये हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये 100% एश्योर होकर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों का कब मेला हो रहा है। मेला जब हो रहा है तो मेला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग LMD सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। मेला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये 100% है। तो मेला सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आज मेला है, ये कस्टमर मेला में डिलीवरी हुआ है, तो मेला करके ओके कर लीजिए। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, सिलेक्ट POD टाइप। सिलेक्ट POD टाइप में OTP 1, देखिए रिसेंट जब किया था एक कस्टमर के पास OTP गया था, एक ब्रांच में OTP गया था, ब्रांच का मेल आईडी में। तो OTP 1 में कस्टमर के पास है OTP और OTP 2 में ब्रांच के पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के पास से OTP लेना है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, OTP 1 कस्टमर मोबाइल पे OTP नहीं आता तो हम लोग आधार कार्ड से करते थे। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी ये सब इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, OTP 1 और OTP 2 से डिलीवरी करना है। OTP 1 से कस्टमर का मोबाइल पे जाएगा, अभी कस्टमर का मोबाइल पे नहीं गया तो फिर हम लोग ब्रांच पे कॉल करेंगे। ब्रांच पे कॉल करने के बाद बोलेंगे कि सर मैं यहाँ पे इस कस्टमर के पास आया हूँ, तो आप आपके मेल आईडी पे ये वाला OTP गया है इस कस्टमर का, तो आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ, और आपको कस्टमर से बात करवाना पड़ेगा जो भी ब्रांच में है, DCM हो या फिर BM हो, ब्रांच पे जो कोई है उन लोगों से बात करवा के कन्फर्मेशन करके फिर ब्रांच से OTP लेना है। ब्रांच कन्फर्मेशन होगा तो फिर आपको OTP देगा। अभी ब्रांच आपको बोल दिया, बाद में हम लोगों को बोल दिया कि OTP नहीं मिला, हम लोगों ने नहीं दिया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयरहाउस मैनेजर रहेगा। तो OTP 1 से कस्टमर के मोबाइल पे जाएगा और OTP 2 से ब्रांच में जाएगा। तो आपको OTP 2 सिलेक्ट यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ पे OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद बाकी जो हम लोग देते थे, कस्टमर फोटो विद प्रोडक्ट, KYC विद इनवॉइस, और ये मेंबर फोटो ID, आधार कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड हो, यहाँ पे देके सबमिट कर देना है। बस ऐसे हम लोगों को करना है मेला में। और LMD में भी सेम है,
LMD में जस्ट आपको LMD सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप OTP टाइप, कस्टमर के मोबाइल पे आएगा तो OTP 1, और कस्टमर ब्रांच में जाएगा तो OTP 2। लेकिन ब्रांच में जब OTP जाएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रांच से आप लोग कन्फर्मेशन करके कस्टमर के साथ बात करवा के फिर OTP लेना है आपको। कि ऐसा नहीं कि बाद में ब्रांच बोले कि नहीं मैंने OTP नहीं दिया, उस हिसाब से आप लोगों को करना है। थैंक यू।